मैं आया हूँ बाग में टाइम पास करने। सुबह ही सुबह करते तो वैसे भी कुछ नहीं है, तो मैंने सोचा बाग में आ जाऊँ बातें करने के लिए। तो यहाँ पे आके मैंने सोचा कि मैं आईफोन 12 मिनी का रिव्यू बना सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मिनी हमारे पास अब दूसरा आ गया है ना, तो रिव्यू भी दूसरा होगा ऑब्वियसली। तो ये जो वीडियो, एक मिनट भाई साहब हटना, भाई साहब हटना। तो ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये 12 मिनी से ही बना रहा हूँ मैं। तो ये इसकी वीडियो क्वालिटी आप समझ में आ रही, नहीं आ रही समझाते हैं। मैंने अपनी ट्राईपॉड को अभी पेड़ में बांध रखा है और मैं वीडियो बना रहा हूँ। स्वैग देखो, ये 12 मिनी मैंने दोबारा ख़रीदा है क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सेक्सी फ़ोन है। क्यों? एक तो साइज़, ठीक है मेरे हाथ छोटे हैं तो मतलब एक हाथ से मैं यूज़ कर लेता हूँ। 12 मिनी की डिस्प्ले सुपर रेटिना ओएलईडी XDR डिस्प्ले है यार, शोर हर जगह पे है, क्रिस्टल क्लियर व्यूइंग डिस्प्ले। ये सब बातें मुझे याद हो गई क्योंकि अब अच्छा खासा यूज़ कर लिया फ़ोन। छोटी डिस्प्ले होने की वजह से ना मुझे वीडियो देखने में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि वो उसके क्रिस्टल्स और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। हाँ मैं मानता हूँ छोटी डिस्प्ले आप गेमर्स के लिए नहीं है, तो आप गेमर्स के लिए ये फ़ोन भी नहीं है, ना तो इसकी डिस्प्ले आपके लायक है ना इसकी बैटरी आपके लायक है। क्योंकि बैटरी की बात करूँ तो कुल 2227 mAh की इसकी बैटरी है। इसके स्पीकर्स, स्टीरियो स्पीकर्स, वाओ उसका तो जो बात है, मैं फ़ैन हूँ, ईमानदारी से मैं फ़ैन हूँ, मज़ा आ गया। एप्पल ने इसको 6.8 IB रेटिंग दी है, मतलब पहला डिजिट जो होता है वो डस्ट के लिए, दूसरा डिजिट है मतलब 8 वो वाटरप्रूफिंग के लिए है। तो अभी तक का बेस्ट आप कह सकते हैं, मतलब दी बेस्ट नहीं लेकिन बेस्ट। एप्पल ने इसमें A14 चिप दी है, इसका प्रोसेसर इज टू गुड मैन यार, टू गुड। कैमरा क्वालिटी की बात करूँ तो इसके पीछे के दोनों कैमराज 12-12 मेगापिक्सल के हैं और फ्रंट कैमरा वो भी 12 मेगापिक्सल का है। अब जो लोग बोलते हैं कि मेगापिक्सल मैटर करता है, तो भैया आईफोन देख लो, 48 मेगापिक्सल शाओमी आपको प्रोवाइड करता है, बट मेगापिक्सल डजेंट मैटर। जब बात मेगापिक्सल की आ गई है तो बात करते हैं वीडियो क्वालिटी। वीडियो क्वालिटी इसकी भाई स्टूडियो, जब बात करें मेगापिक्सल की तो बात करते हैं वीडियो क्वालिटी की। इसकी वीडियो क्वालिटी भैया स्टूडियो लेवल पे है, मतलब आप इससे कमर्शियल शूट कर सकते हैं किसी छोटे ब्रांड के लिए। एक बात मुझे इसकी ज़्यादा बुरी नहीं लगी, मतलब आप लोगों को लगती है बट मुझे नहीं लगी, इसकी नॉच मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, पता नहीं क्यों। लोग कहते हैं कि यार बहुत बड़ी नॉच है और ये है वो है, हमको फ़र्क नहीं पड़ता ब्रो। यार बाग में ज़्यादा कुछ करने को है ही नहीं, मैं पीछे जाना चाह रहा था घूमने के लिए लेकिन लोग मुझे मना कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि यहाँ तेंदुआ आया हुआ है लियोपार्ड, और बोल रहे हैं कि यहाँ पे गीदड़ लोमड़ियाँ तेंदुए सब कुछ है, यहाँ पे जू है। ये अमराव में मेरा घर जहाँ पर है वो मोहल्ला अमराव का सेंटर है, वहाँ से आप कहीं पे भी 3-3.5 किलोमीटर दूरी पे आ जाएंगे तो आपको बाग वगैरह दिखने लगेंगे। तो ऐसे ही सीन है मेरे घर से यहाँ पे 3.5 या 3 किलोमीटर की दूरी पे ये बाग स्टार्ट हो जाते हैं, बल्कि शायद पहले भी। खैर एंगल चेंज करते हैं, बहुत देर हो गई ऐसे बात करते हुए। मैं सोच रहा था कि सिनेमैटिक्स ले लूँ, इतना तो हम कर ही सकते हैं, इतना मुझे लोग टोकने लगे बाकायदा पर्सनली कि इतना नहीं होता, इतना होता है इतना, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। लेकिन फिर मैंने सोचा यहाँ क्या घास फूस का सिनेमैटिक बनाऊँगा हैं, लेकिन क्रिएटिविटी कौन दिखाएगा ब्रो, तो हम बनाएंगे। Can I get an encore? Do you want more? Cooking raw with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to raw. Yeah. What the hell are you waiting for? For me, there should be no more. So for one last time, nigga, make some noise. Fresher than ho, riddle me that. The rest of y'all know where I'm lurking, yeah. Can't none of y'all mirror me back. Yeah, hear me rap, it's like hand G rapping his prime. I'm young H.O., raps Grateful Dead. Back to take over the globe, break bread. I'm in Boeing jets, Low Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the fuck?